तो फिर से एक बार आते हैं अपने आईडी पे। ठीक है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमारे जो प्रोग्राम है सी का, वो स्टार्ट होता है इन दो लाइन से। इनमें से एक एक ही लाइन चल सकती है, ये वाली लाइन, लेकिन अभी के लिए आप दोनों लाइन याद रखेंगे क्योंकि आप कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, ये दो लाइनें आप फॉर्म पर याद रखनी, ये लिखनी होती है। ये क्यों लिखनी होती है, ये इनमें क्या होती है, इनमें कौन सी लाइब्रेरीज फंक्शंस होती है। ठीक है, ये हैश इंक्लूड का क्या मतलब है, ये फाइलें फिर कहाँ होती है, ये कहाँ से आ जाती है, ये सारी चीजें हम आगे सीखेंगे। फिर उसके बाद हमारा एक सेक्शन होता है, इसका मेन सेक्शन बोलते हैं या मेन फंक्शन एक्चुअली हम बोलते हैं, ये फंक्शन एक है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होती है उसके बारे में भी हम जानेंगे। फिलहाल हम ये याद रखेंगे कि वी हैव दीज टू लाइंस जो हमें लिखनी है, फिर उसके बाद ये इंट। ठीक है, उसके बाद एक स्पेस, आप मल्टीपल स्पेस भी दे सकते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम एक स्पेस देनी है। आई एन टी इंट, इंट मीन इंटीजर, देन मेन, एंड देन दिस टू, एंड देन इट्स ए ब्लॉक। ये ब्लॉक एक स्टार्ट हो गया और यहाँ पे बंद हो गया, और बंद होने से पहले हम इसको रिटर्न जीरो लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है, एक पहले से ही बना बनाया तरीका है, इससे ऐसे ही हमें स्टार्ट करना होता है। ठीक है, अब ऐसे क्यों स्टार्ट करना होता है, ये मेन फंक्शन क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट क्यों होता है प्रोग्राम, दीज थिंग्स विल बी कवर्ड लेटर, कि क्यों होता है यहाँ से, क्यों यहाँ पर ऐसे करना होता है, यहाँ पर ये क्यों लिख रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम, और ये हमें पता चल जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए हम ये देखेंगे कि ये याद रखेंगे, ये एक स्ट्रक्चर है जो हमको याद रखना, ये जो कुछ लाइंस हैं ये हमें याद रखनी, और ऐसे ही हमारे जो प्रोग्राम है वो ऐसा ही हर एक प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि ये जो हमारा प्रोग्राम एक्चुअली, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो भी हम बनाएंगे छोटे छोटे प्रोग्राम है उनको बोलते हैं प्रोग्राम्स, तो वो एक्चुअली यहीं से, इस यहाँ से स्टार्ट होता है, और जो हम यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर इस लाइन पे जो हम करने की कोशिश करेंगे, तो यहीं पे एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं बता दूं कि फिलहाल हम एक काम करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे एक मैसेज प्रिंट की जाती है। ठीक है, कैसे एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम बनाया जाए जो क्या करे, सिंपल एक मैसेज प्रिंट करे। ठीक है, हम एक मैसेज वहां से दे, वो कैसे करना होता है, हमारे पास एक, इसको एक फंक्शन बोलते हैं, हम फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन क्या होता है हम आगे इसको अच्छे से समझेंगे। अब फिलहाल के लिए आप ये याद रखोगे, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, एक कोड ही होता है जो कोई ना कोई हमारा काम करता है, फंक्शन कोई काम करता है, फंक्शन क्योंकि इसका नाम ही है फंक्शन, तो ये काम कोई करता है। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट एफ, printf, प्रिंट और एफ। ठीक है, और प्रिंट एफ क्या करता है, प्रिंट एफ का काम है प्रिंट करना फॉर्मेटेड, एफ का मतलब फॉर्मेटेड, यानी प्रिंट एफ करना, कुछ स्क्रीन से पे कुछ लाना। ठीक है, स्क्रीन पे कुछ लाना। ठीक है, तो स्क्रीन पे कैसे लाते हैं, अगर हमें कोई मैसेज प्रिंट करनी है तो उस मैसेज को हमें यहाँ पे कोट्स में रखना है। ठीक है, कोट्स में रखना है, यानी डबल कोट एक स्टार्ट करना है, ठीक है, और एक एंड करना है, और इन्हीं कोट्स के दरमियान हमें कुछ लिखना है। सपोज मैं लिखूंगा वेलकम टू सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, क्या यहाँ पे मैं कोई शॉर्टकट लिखूं, हाँ कुछ शॉर्टकट्स आपको यूज किए जा सकते हैं, कुछ नहीं किए जा सकते, कौन से शॉर्टकट यूज किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल हम याद रखेंगे कि यहाँ पे हम एक मैसेज दे सकते हैं, सपोज वेलकम टू सी। ठीक है, और इसको लास्ट में हम ऐसे सेमी कोलन करके बोलते हैं टर्मिनेट, इसको हम टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, हमारा जो सारा प्रोग्राम है वो एक ही लाइन में भी हो सकता है, देयर इज नो इशू, एक ही लाइन में भी हम लिख सकते हैं। अब हम मल्टीपल लाइन में क्यों लिखते हैं, ताकि हमें खुद को समझ आए कि हमने क्या किया है। ठीक है, अब मैं नीचे सपोज मैं एक और प्रिंट अप करूंगा, मैं फिर एक और मैसेज देना चाहता हूं, आई एम न्यू हियर। ठीक है, तो मैंने दो प्रिंट एप्स लिखे, पहला प्रिंट एप, ठीक है, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट किए, ठीक है, इनको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, फिलहाल के लिए आप जो भी इनको बोलो कोई इशू नहीं,
तो फिर ये कोट्स में मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, मैंने कुछ मैसेज दी थी, कोट्स क्लोज किए, फिर ये क्लोज किया, फिर इसको टर्मिनेट किया, इसको बोलते हैं टर्मिनेट करना स्टेटमेंट को, ठीक है। देन उसके बाद मैंने एक और प्रिंट एप लिखा, फिर मैंने इसमें एक और नई मैसेज लिखी, ठीक है। तो कल वाले प्रोग्राम, कल वाले जो सेशन किया था, लास्ट वाला सेशन जो हमारा था, उसमें मैंने समझाया था कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होती है, ठीक है। जिनने नहीं देखा, जो नहीं थे कल अवेलेबल, वो वाला लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो वी डू ए कंपाइल एंड रन, तो ये कंपाइल एंड रन हम करेंगे। तो ये कंपाइल एंड रन करके यहाँ पे हमें कुछ आउटपुट मिला, एक ब्लैक स्क्रीन आई। फिलहाल के लिए हमें ये ब्लैक स्क्रीन आउटपुट है ये हमारी, ठीक है, यानी ये हमारा एक सॉफ्टवेयर बन के आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो हमें बन के आया, इसने यहाँ पे दिखाया वेलकम टू सी, ठीक है, फिर आई, सी के बाद ही लिखा आई एम न्यू हियर, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे इन दो लाइंस, जो मैंने दो लाइंस लिखी थी, ठीक है, ये एक लाइन लिखी थी, इसका ये आउटपुट आया, फिर ये एक और लाइन, उसका एक आउटपुट आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये एक ही जैसे मैंने, हालांकि यहाँ पे दो लाइंस लिखी थी अलग अलग करके, लेकिन ये अलग अलग करके लाइन नहीं आई, लेकिन आउटपुट मुझे आया। मेरा जो प्रोग्राम है, मेरा जो सॉफ्टवेयर है, वो एक तैयार हो गया है। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये मैसेज देता है, एक मैसेज लिखता है, एक में पहले लिखता है वेलकम टू सी और फिर लिखता है आई एम न्यू हियर। लेकिन यहाँ पर अपने, यहाँ पे अब इतना ही डिफरेंस है कि अपने प्रोग्राम में मैं तो लिख रहा हूँ दो लाइन्स, ठीक है, मैं दो लाइन लिख रहा हूँ, मैंने वेलकम टू सी एक लाइन लिखा था, फिर आई एम न्यू हियर एक अलग लाइन लिखा था। लेकिन जो ही मैं आउटपुट पे देख रहा हूँ, मैं वेलकम टू सी आ रहा है, उसके साथ ही आई एम न्यू हियर आ रहा है, ये दो लाइन में मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ये दो लाइन लिख भी रहा हूँ, लेकिन ये मुझे बाई डिफॉल्ट वो दो लाइन नहीं दे रहा है, खुद से वो दो लाइन नहीं दे रहा है। अब अगर मुझे कहीं पे कोई लाइन स्टार्ट, नई लाइन स्टार्ट करनी हो, नई लाइन स्टार्ट करनी हो, मैं चाहता हूँ वेलकम टू सी एक लाइन पे आ जाए और आई एम न्यू हियर दूसरी लाइन पे आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास एक चीज है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लाइन फीड, ठीक है, न्यू लाइन। तो वो न्यू लाइन कैसे डालनी है, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये आई एम न्यू हियर, आई एम न्यू हियर, इससे पहले एक लाइन नीचे, एक लाइन नीचे आ जाए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, दिस इज कॉल्ड बैक स्लैश, ठीक है, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश दिस एंड दिस इज बैक स्लैश, ऐसे, ठीक है। एंड देन मुझे ये ऐसा लिखना है सुमालन इसके साथ ही, ठीक है। व्हाट इज दिस, अब जब मैंने लिखा ये बैक स्लैश, ठीक है, और उसके बाद एन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये प्रिंट नहीं होगा, जैसे ये सारी चीजें प्रिंट होती थी, ये बैक स्लैश एन प्रिंट नहीं होगा, बल्कि इससे क्या होगा, ये एक लाइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। हम इसको सेव करके इसको फिर से रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए आउटपुट अब कुछ डिफरेंस आए, अब आउटपुट है पहले वेलकम टू सी, ठीक है, उसके बाद नीचे आ रहा है आई एम न्यू हियर। इससे पहले क्या आता था, वेलकम टू सी, उसके साथ ही हमें था आई एम न्यू हियर, लेकिन अब वो वैसा नहीं है, अब हमें थोड़ा सा डिफरेंट आया, जैसे हम चाहते थे वैसा ही आया। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ एडिशन किया, वेलकम टू सी तो वैसे ही लिखा, लेकिन आई एम न्यू हियर से पहले मैंने एक कैरेक्टर यूज किया, मैंने कुछ खास चीज लिखी, इसको हम बोलते हैं बैक स्लैश एन लाइन फीड, यानी मैंने दूसरी लाइन पे इसको भेजा बैक स्लैश एन, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है कि किससे दूसरी लाइन पे आ जाना है, किससे थोड़ा आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें याद रखनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्पेशल एक चीज हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं बैक स्लैश एन या लाइन फीड, आप बोल सकते हो, फिलहाल के लिए आप याद रख सकते हो बैक स्लैश एन। तो मैंने बैक स्लैश एन लिखा, आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे आउटपुट क्या आ रहा है, ये जो बैक स्लैश एन है ये मुझे यहाँ पे आउटपुट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मुझे खाली आउटपुट दिख रहा है आई एम न्यू हियर। लेकिन इस बैक स्लैश एन की वजह से क्या हुआ, ये एक स्टेप नीचे आया, इससे पहले जो मैं आउटपुट देख रहा था ये ऊपर ही था, ये यहाँ इसी के पास ही था, आ रहा था यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन अब ये एक स्टेप नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये तो है इसके वजह से कि हम कैसे कर सकते हैं एक लाइन फील, एक दूसरी लाइन में कैसे जा सकते हैं प्रिंट ऐप में। तो प्रिंट ऐप क्या है, प्रिंट ऐप एक फंक्शन है, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के बारे में हम और भी जानेंगे। फंक्शन एक ऐसा कोड होता है
जो हमारा कोई काम करता है, फंक्शन है, फंक्शन का बाय डिफॉल्ट इंग्लिश मीनिंग भी है काम करना, तो ये कोई ना कोई हमें काम करके देता है। तो प्रिंट एफ हमें क्या काम करके देता है, ये हमें आउटपुट, कोई प्रिंट अगर हमें आउटपुट स्क्रीन पे हमें और कोई चीज प्रिंट करनी है, स्क्रीन पे प्रिंट करनी है, पेपर वेपर पे नहीं, स्क्रीन पे प्रिंट करने का काम है अभी, तो स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए हमें ये काम आता है। हम चाहते हैं स्क्रीन पे कोई मैसेज आए या कुछ आए तो वो उसके लिए हमें ये काम आता है, ठीक है। अब हमने इसमें एक ट्विस्ट देखा कि हमने देखा था अगर मैं दूसरी लाइन पे एक और प्रिंटर भी लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन ये क्या करता है, ये एक ही लाइन में आता है। जैसे हम इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, बैकस्लैश एन मैंने हटा दिया, तो बैकस्लैश एन मैंने हटा दिया, यहाँ पे जो आउटपुट आया है वो आया है वेलकम टू सी, और उसके बाद ही आई एम न्यू हियर, ठीक है। ये दूसरी लाइन में नहीं आया था, हालांकि मैंने यहाँ दूसरी लाइन में लिखा था, तो हमें यहाँ पे पता चला कि ये खुद दूसरी लाइन पे नहीं जाता, इसको दूसरी लाइन में भेजना पड़ता है। तो दूसरी लाइन में भेजने के लिए हमारे पास एक खास करेक्टर है, कुछ कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दैट इज बैक स्लैश एन। हम बैक स्लैश डालते हैं, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश, दैट इज दिस फॉरवर्ड स्लैश, हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश नहीं यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश यूज कर रहे हैं। तो बैकवर्ड स्लैश और एक स्मॉल एन हम लिखते हैं, तो बैकवर्ड स्लैश एन स्मॉल एन से क्या होता है, ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, ठीक है। तो इसके इसके कहने का मतलब है कि दूसरी लाइन पे चले जाओ। अब देखो ये बैक स्लैश एन में यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ भी यूज कर सकता हूँ पहले लाइन में। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको बोल रहा हूँ वेलकम टू सी लिखो, ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन पे चले जाओ। अब इसका रिजल्ट हमें वैसा ही आएगा जैसे इससे पहले आया था, ठीक है, तो वैसा ही रिजल्ट है वेलकम टू सी। उसके बाद क्योंकि इसके पास ये बैक स्लैश एन है, इसके पास ये बैक स्लैश एन है, तो इस बैक स्लैश एन ने इसको बोला दूसरी लाइन पे चले जाओ, तो फिर ये दूसरी लाइन पे चला गया और दूसरी लाइन पे हमें आई एम न्यू हियर लिखा हुआ आया, ठीक है। तो इससे कोई इशू नहीं है, चाहिए किसी सेंटेंस के बाद में हम यूज करें या नेक्स्ट सेंटेंस के पहले यूज करें, तो दोनों एक जैसी चीजें हैं, चाहे आप यहाँ यूज करो या यहाँ यूज करो। दोनों चीजों में इसने एक ही काम किया, इसने क्या किया, इसने जो लाइन को हमारे प्रोग्राम के प्रिंट को दूसरी लाइन पे पहुंचा दिया। और भी चीजें हम कर सकते हैं एक्चुअली, ये तो एक बेसिक था, ठीक है। हम एक और चीज देखते हैं, सपोज मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे मैंने एक प्रिंट आउट प्रिंट एफ किया, ठीक है, वेलकम टू सी, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फुल स्टॉप आई एम न्यू, ठीक है, तो इसको हम जो ही रन करेंगे तो ये आएगा ऐसे, वेलकम टू सी आई एम न्यू हियर, ठीक है। अब ये वेलकम जो है ये बिल्कुल स्क्रीन के W जो है ये बिल्कुल स्क्रीन के एंड पे है, बिल्कुल स्क्रीन के एंड पे है, साथ में ही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कभी ऐसा भी हो सकता है, ये जो स्क्रीन के बिल्कुल एंड पे ही है यहाँ, ठीक है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं चाहता हूँ ये थोड़े स्क्रीन के बाहर आ जाए, थोड़ा सा स्क्रीन के बाहर आ जाए, ठीक है, हम वो भी कर सकते हैं। एक तो एक तरीका है सिंपल, मैं इसको स्पेस दूं, विद इन द कोट्स, ये स्पेस समझता है विद इन द कोट्स, ठीक है, तो मैं इसको स्पेस देता हूं, तो जो भी मैं इसको स्पेस देता हूं ये थोड़ा सा बाहर आ जाता है, ठीक है। एक अच्छा तरीका है, इससे भी अच्छा तरीका है, हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर है बैक स्लैश टी करके, बैक स्लैश टी इसका मतलब होता है टैब, एक टैब होता है चार स्पेसेस, ठीक है, तो आपको चार स्पेसेस देनी नहीं है, आपको बस बैक स्लैश टी लिखना है, तो ये खुद ब खुद चार स्पेसेस हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने बैक स्लैश टी लिखा, तो अब मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, अब मैं जो एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, मैंने इसने यहाँ पे जो है चार स्पेसेस बैक स्लैश टी एक छोड़ दिया है, ठीक है। तो मैं एक और चीज भी कर सकता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं कर सकता हूँ पहले एक लाइन छोड़ो, यानी ऊपर मत आ जाओ, पहले एक लाइन बैक स्लैश एन करके एक लाइन छोड़ो, फिर उसके बाद बैक स्लैश टी करके थोड़ा सा स्पेस दो, ठीक है, तो फिर प्रिंट करो, यानी अब क्या होगा, पहले लाइन आ जाएगी, पहले एक लाइन नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ा सा दाएं हट जाएगा, चार स्टेप दाएं हट जाएगा। मैं रन करता हूं, तो देखो पहली ऊपर वाली लाइन जो है वो खाली है, उस पर कुछ नहीं आया, वो दूसरी लाइन पे आ गया और उसने पहले एक टैब जो है स्पेस छोड़ दिया, इसको बोलते हैं टैब,
एक टैब स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। तो पहले तो ये एक क्या हुआ, एक लाइन इसने छोड़ दी बैक स्लैश एन की वजह से, उसके बाद इसने एक टैब आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट्स आए ये बिकॉज ऑफ दीज टू, फर्स्ट इफेक्ट जो है इसने एक लाइन छोड़ दी, अब दूसरा इफेक्ट जो है इसने एक स्पेस छोड़ी, कितनी स्पेस छोड़ी, इसको बोलते हैं टैब स्पेस, टैब के जितनी बाय डिफॉल्ट होती है चार स्पेस ये होती है, ठीक है। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं, और ये जो बैक स्लैश एन और बैक स्लैश टी मैं इन द मिडल ऑफ द टेक्स्ट भी यूज कर सकता हूँ। कैसे मिडल ऑफ द टेक्स्ट यूज करता हूँ, सपोज मैं चाहता हूँ वेलकम टू सी, फिर क्या आ जाए, फिर यहाँ पे बैक स्लैश एन, यानी मैं ये एक ही लाइन में लिखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये पहले लिखे वेलकम टू सी, फिर एक लाइन डाले नीचे लाइन में लिखे आई एम न्यू हियर, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे इसने लिखा वेलकम टू सी, उसके बाद एक दूसरी लाइन में लिखा आई एम न्यू हियर, हालांकि मैंने इसको एक ही लाइन में लिखा था, ये सारी चीजें जो है मैंने एक ही लाइन में लिखी थी, लेकिन यहाँ पर जो मुझे आउटपुट में मिला, आउटपुट में मुझे कुछ और दिख रहा है, ठीक है। आउटपुट में मुझे क्या आ रहा है, वेलकम टू सी एक लाइन में और आई एम न्यू हियर दूसरी लाइन में, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे भी हम चीजें कर सकते हैं, दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी डन, ठीक है। तो एक एक और चीज था कि कैसे हम इनको बैक स्लैश टी और बैक स्लैश एन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। We do have other things as well. हमें प्रिंट एफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, हमें प्रिंट एफ में और भी बहुत सारी इससे इसके बैक स्लैश टी या बैक स्लैश एन के बगैर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं, वो हम आगे जो जो ही हम चीजों के ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो हम उनके वो चीजें सारी समझेंगे, ठीक है। तो ये तो था प्रिंट एफ, ठीक है। अब एक और चीज में यहाँ पे समझाने कोशिश करूंगा, उसके बारे में हमें काफी डिटेल में भी पढ़ना है। वे हैव, हम जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, सपोज व्हाट्सएप में टेक्स्ट होता है, ठीक है, सपोज मोस्टली हम मानेंगे फिलहाल के लिए व्हाट्सएप टेक्स्ट के लिए यूज कर रहे हो आप, और आप यूट्यूब जो है वीडियो के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। तो व्हाट्सएप में आप सपोज टेक्स्ट यूज कर रहे हो और यूट्यूब में आप वीडियो यूज कर रहे हो, तो हम ये भी कह सकते हैं एक तरीके से कि व्हाट्सएप का जो डेटा है, व्हाट्सएप का जो डेटा है वो टेक्स्ट है और यूट्यूब का जो डेटा है वो वीडियो है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं, सपोज हम माने कि व्हाट्सएप खाली टेक्स्ट ही यूज करता है, ठीक है, तो हम ये भी मान सकते हैं फिलहाल के लिए कि व्हाट्सएप का जो डेटा है वो टेक्स्ट डेटा पे काम करता है और यूट्यूब का जो डेटा है वो वीडियो है, so we can call it like this as well. और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो type of data WhatsApp used is text and the type of data YouTube used is video, ठीक है। तो data का type होता है, जिस data के साथ भी हम काम करते हैं, उसका type होता है, जैसे हमारे पास होता है numbers, ठीक है, हमारे पास हो सकते हैं alphabets, ठीक है, हमारे पास हो सकते हैं डेसिमल्स, ठीक है, हमें एक और चीज भी हो सकता है, हमें हो सकता है लॉन्ग टेक्स्ट या हमें हो सकता है मिक्सड, है ना। तो नंबर हो सकता है हमारे पास, अल्फाबेट्स हो सकते हैं नंबर, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चाहे पॉजिटिव में हो नेगेटिव में, खाली नंबर जिनमें न्यूमेरिक ना हो, जिनमें वो डेसिमल ना हो, then we can have alphabets A, B, C, D, something like that. Then we can have decimal type, like 2.5, 0.6, 9.2. We can have long text, like long text में क्या होता है, alphabets ही होंगे, वो long होगा, suppose we can have, अभी हमने लिखा था, welcome to programming, I am new here, तो एक long text बन गया, इसको यहाँ पे Excel में, इसको long text को असल में बोलते हैं string, ठीक है, इसको यहाँ पे Excel में string हम बोलते हैं। Then we have mixed. हम इन चीजों को मिक्स भी कर सकते हैं, एक ऐसी भी चीज हो सकती है हमारे पास जिसके पास नंबर भी हो, स्ट्रिंग भी हो,
डिसेबल भी हो। अब ये कैसा हो सकता है, मिक्सड कब हो सकता है? एक स्टूडेंट का जो डेटा टाइप होता है, डेटा होता है वो मिक्सड होता है। सपोज उसका नाम जो है स्ट्रिंग है, उसका नाम है सपोज कोई नाम है बशीर अहमद, तो ये स्ट्रिंग है। उसकी जो परसेंटेज है सपोज 92.3, तो वो डिसिमल हो गया, ठीक है। अब वो ग्रुप ए में है, ग्रुप बी में है, तो वो अल्फा में आएगा, ठीक है, अल्फाबेट आएगा। अब उसका फोन नंबर है, आधार नंबर है, तो वो नंबर में आ जाएगा। तो वी कैन हैव मिक्स्ड टाइप एज वेल। तो ये जो सारी चीजें हैं, चाहे डेटा, तो जो हमारा डेटा होता है, चाहे हमारे स्टूडेंट के रिलेटेड या जनरल किसी भी चीज के रिलेटेड, इसका एक टाइप होता है, ये किसी ना किसी टाइप का होता है, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज डेटा टाइप, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। तो हमारे पास जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में भी हमारा डेटा जो है बहुत टाइप उसका होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो उन डिफरेंट टाइप्स को हम बोलते हैं, उस डेटा टाइप का डिफरेंट डेटा टाइप्स है। एक सिंपल डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर को हम यहाँ पे फुल इंटीजर नहीं बोलते, हम इसको इंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज किया था इंट, ठीक है। तो जब भी मैं इंट लिखूं, इंट का मतलब मैं इंटीजर पे बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये सारी चीज, हम डेटा टाइप्स पे आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे, हम देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास अगर हमें डिसिमल हो तो हम इसको बोलते हैं फ्लोट, या डबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लोट होता है हमारे पास एक और चीज डिसिमल नंबर्स पे, ठीक है। हमारे पास कैरेक्टर होता है, हम उसको कैर बोलते हैं, ठीक है, कैर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास बाकी सारी चीजें मिक्सड भी होते हैं, तो मिक्सड में बहुत अलग अलग चीजें होती है, वो हम आगे देखेंगे। तो बेसिक जो है हमें, वी हैव इंटीजर, वी हैव फ्लोट, एंड वी हैव कैरेक्टर। अब अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो वो स्ट्रिंग क्या होती है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स ही होती है, ठीक है। स्ट्रिंग जो है मिक्स, बहुत सारे कैरेक्टर जो आपस में मिलते हैं तो स्ट्रिंग बन जाती है। तो हमारे पास इंटीजर होता है जिसको हम इंट बोलते हैं, हमारे पास डिसिमल होते हैं जिसको हम फ्लोट बोलते हैं, और हमारे पास कैरेक्टर होते हैं जिसको हम कैर बोलते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है, ठीक है, और वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोग्राम में।